देहरादून में महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा है कि उन्होंने हल्द्वानी के कामलोआ गंजा क्षेत्र में पेट्रोल डीजल वृद्धि के विरोध में मोटरसाइकिल ही फूंक डाली। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। इस अवसर पर मोटरसाइकिल जलाकर विरोध प्रदर्शन करने वाले एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विशाल भोजक का कहना है कि लॉकडाउन के चलते आम जनता की आर्थिक स्थिति पहले से खराब है, ऐसे में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। कार्यकर्ता जो केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए उसके विरोध में हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल जलाकर विरोध प्रदर्शन कराया है और हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम काम करे जाए। ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में जहाँ आम जनता पर काफ़ी दबाव बढ़ गया, आर्थिक स्थिति सभी की बहुत खराब है और उसमें उसके ऊपर से सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर उनको और दबाव डालने का काम कर, ऐसे में उन्होंने मोटरसाइकिल जलाकर ये विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से जल्द ही बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की है। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।